हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अर पढ़ाकू आई एम योर बायोलॉजी मेंटर स्मृति पांडे तो जैसे कि आप सबको पता है आपके टर्म वन के एग्जाम्स डे बाय डे बहुत क्लोज आ रहे हैं और हम लोग बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे केस स्टडी का सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आप हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट में भी सेम वैसे ही पैटर्न है केसेस दिए हुए हैं केसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या पता हो सकता है इससे रिलेटेड या यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए इट माइट बी पॉसिबल तो हम लोग शुरू करें अपना आज का तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज और सबसे पहले देखते हैं पहली केस स्टडी तो सी पहले इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम वन टू फाइव गिवन बिलो इट मीन्स इस केस स्टडी में फाइव क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमें उसका आंसर ढूंढना है ठीक है ये आपका केस दिया हुआ है अब केस क्या है सी यहां से लेके पूरा यहां तक आपका केस दिया हुआ है नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है केस क्या है द द एंडोस्पर्म मेक मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर द एम ओके जनरली द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड आफ्टर द डिवीजन ऑफ द उपोर बट इन वेरियल केसेस द एंडोस्पर्म इज फॉर्म टू अ ग्रेट एक्सटेंट इवन बिफोर द फर्स्ट डिवीजन ऑफ़ दूसपोल देर आर थ्री जनरल टाइप ऑफ एंडोस्पाम फॉर्मेशन पहला होता है न्यूक्लियर टाइप दूसरा होता है सेल्यूर टाइप और तीसरा होता है ट्रिप्लॉयड होते हैं बट हेप्लॉयड एंडोस्पॉम इज ऑल्सो फाउंड भाईड एंडोस्पाम भी तो मिलते हैं हमें ओके इंडोस्पाम जो होते हैं मे ईदर वी कंप्लीटली कंज्यूम बाई द डेवलपिंग एम्ब्रॉयो बिफोर सीड मैचुरेशन और इट मे द मेच्योर सीड यहां पे कह रहे हैं कि जो एंडोस्पर्म है ये कंप्लीटली हो सकता है कंज्यूम कर लिया जाए डेवलपिंग एम्ब्रियो से जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उससे कब बिफोर सीड मेच्योरेशन सीड मेच्योरेशन के पहले मतलब जब सीड मेच्योर हो उसके पहले ही. और इट पर्सिस्ट इन द मेच्योर सीड या फिर ये कर सकता है मेच्योर सीड में अगर एम्प्रॉयो ने पूरा एंडोस्फॉर्म कंज्यूम नहीं किया है तब ठीक है केस समझ में आ गया अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ तो पहला देखिए यहाँ पे आपका पूरा केस स्टडी दिया हुआ है ओके जो केस स्टडी हमने अभी पढ़ी थी अब यहां ये आपका क्वेश्चन है और ये आपके ऑप्शंस दिए हुए फाइन अब इसमें से क्वेश्चन पढ़ना है करेक्ट आंसर निकालना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा चलिए पूछ रहे हैं हेप्लॉइड एंडोस्पॉम इज फाउंड इन हेप्लॉइड एंडोस्पॉम किस में मिलते हैं तो हेप्लॉइड एंडोस्पॉम किस में मिलेंगे एंजियोस्पॉम या जिम्नोस्पॉम में तो सबसे पहले अगर बात करें तो जिम्नोस्पॉम में हमें जो है एंडोस्पॉम्स मिलते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं फाइन तो जिम्नोस्पॉम इसमें से कौन सा होगा भाई कौन सा होगा पाइनस दिया है कॉलीफ्लावर दिया है सनफ्लावर दिया है पी दिया है जो कॉलीफ्लावर है सनफ्लावर है और पी ये क्या है एनजियोस्पॉम एनजियोस्पॉम मतलब जिनमें फ्लावर्स आते हैं वो प्लांट्स और पाइनस क्या है जिम्नोसपॉम मतलब इसमें फ्लावर्स नहीं आते ओके okay? तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा दैट इज फर्स्ट पाइनस क्लियर है ऐसे आपसे मतलब थोड़े घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइक like पे देखिए ना कहीं ए, का मेंशन है ना कहीं एनजीओम का मेंशन है बट ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है क्या है तभी आप करेक्ट आंसर पे ऐसे क्वेश्चंस पे टिक कर सकते हो फाइन अब इसमें अगर हम चाहे कि तुक्का लगा दें तो ये हमारा गलत हो सकता है हो सकता है कोई ए पे लगा दे तो वो सही हो सकता है बाकी तो रॉन्ग हो सकता है फाइन नाउ अब सी परसिस्टेंट इंडोस्पॉम इज़ फाउंडेड जैसा कि यहाँ पर लिखा है कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्बलॉयो बिफोर सीड मैच्यशन और इट मे परसिस्ट इन द मेच्योर सीड तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन से सीड हैं जिनमें जो इंडोस्पॉम है वो परसिस्ट फॉर्म में रहता है यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या दिया है पी कैस्टर बीन कोकोनट एंड ग्राउंडनट तो जरा सोचिए कि कौन से ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म जो होता है वो परसिस्ट कर जाता है सोचिए जरा यहाँ पे देखिए इसके आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं पहले दिया हुआ है क्यू एंड एस इट मीनस कैस्टर एंड ग्राउंडनट फाइन फिर दिया है पी एंड टी मतलब पी पी पे क्या है पी है आपका और टी पे क्या है ग्राउंडनट है ओके okay. उसके बाद दिया आर एस एंड टी आर मतलब बीन से आपका एस कोकोनट है और टी ग्राउंडनट है फिर लास्ट में दिया पी एस एंड टी मतलब पी कोकोनट एंड ग्राउंडनट तो भाई बड़ी जाहिर सी बात है किसमें एंडोस्पॉम परसिस्ट करता है एंडोस्पॉम परसिस्ट करता है कुछ ऐसे सीड्स में जो कि आपके होते हैं कैस्टर होते हैं कोकोनट होते हैं कुछ सीड्स में क्या होता है जो इंडोसफॉम होता है वो परसिस्ट कर जाता है इन द सीड क्योंकि उसका जो फूड होता है वो स्टोर होता है जो एम्ब्रॉयो का फॉर्मेशन होता है उसने पूरे न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज नहीं किया होता है मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा होता है वो तो अब वो क्या होता है बच जाता है अब बच जाएगा तो क्या होगा परसिस्ट फॉर्म में आ जाएगा तो परसिस्ट फॉर्म में आपके कौन से आते हैं आपके आता है कैस्टर आता, आता है मेज आता है वीट आता है रबड़ आता है बार्ले आता है कोकोनट आता है ठीक है तो यहां पे हमें कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं कैस्टर एंड कोकोनट ठीक है तो वी विल गो विद फर्स्ट ऑप्शन क्यू एंड एस यही आपका करेक्ट आंसर है क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी मिल्क ऑफ टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट पहला दिया है दो कॉलम दिए हैं एंड द सराउंडिंग विथ कोकोनट मील रिप्रेजेंट ये एक कॉलम दिया हुआ है और एक ही कॉलम दिया हुआ है अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है मिल्क ऑफ टेंडर कोकोनट क्या रिप्रेजेंट करता है इनमें से क्या है मिल्क ऑफ टेंडर कोकोनट तो मिल्क जो होता है टेंडर कोकोनट का वो होता है फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पाम होता है ना जो मिल्क होता है वो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पाम होता है दैट इज मेड बाई लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और फिर क्या पूछ रहे हैं एंड द सराउंडिंग व्हाइट कोकोनट मील रिप्रेजेंट और सराउंडिंग मतलब जो कोकोनट का पार्ट हम लोग खाते हैं व्हाइट व्हाइट वाला जो इटेबल पार्ट होता है वो क्या होता है तो वो रिप्रेजेंट करते हैं सेल्युलर एंडोस्पाम वो क्या होते हैं सेल्युलर एंडोस्पम तो हमें देखिए कहा मिल रहा है ये बी पे मिल रहा है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पॉम और ए पे मिल रहा है यहाँ पे इट मीन्स कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है क्लियर नाउ मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या है इफ एन एंडोस्पर्म सेल ऑफ जिम्नोस्पर्म कंटेन 12 क्रोमोसोम द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल ऑफ द रूट विल बी कितने होंगे क्वेश्चन कहा जा रहा है जो एंडोस्पर्म है सेल जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो कंटेन करते हैं ट्वेल्व क्रोमोजोम तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या होंगे ईच सेल ऑफ रूट विल बी बताइए जरा सोचिए जो एंडोस्पर्म होते हैं जिम्नोस्पर्म के ये क्या होते हैं हेप्लॉइड होते हैं हेप्लॉइड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एन से है ना दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे ये हेप्लॉइड है आपका फाइन अब इसके जो रूट सेल्स होंगे वो डिप्लॉइड होते हैं कितने होंगे डिप्लॉइड मतलब टू तो एन कितना दिया है आपका ट्वेल्व और ट्वेल्व टू इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा हमें ट्वेंटी फोर सो द करेक्ट आंसर इज ट्वेंटी फोर और ये यहां आपको बी पे मिल जाएगा क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये स्टडी का लास्ट क्वेश्चन है इज दिस नॉर्मली आफ्टर फर्टिलाइजेशन एनजीओस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है फाइन अब सी क्या लिखा है पहले लिखा है द द डिवाइड अर्लियर देन प्राइमरी इंडोस्पम न्यूक्लियस

एंजियप में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है जो प्राइमरी इंडोस्पम न्यूक्लियस होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं ये पहले डिवाइड होंगे zygote के डिविजन से जयगोड के फॉर्मेशन से पहले ओके okay? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है द प्राइमरी इंडोस्पॉम न्यूक्लियस अर्लियर देन डिगोड इट मीन बी इज करेक्ट क्लियर कोई डाउट नहीं है कोई कंफ्यूजन नहीं है तो यहाँ पे बच्चों आपका पहला केस स्टडी जो था वो फिनिश हो गया है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से था ठीक है तो अब सोचिए जरा इससे आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ घुमा के आ रहे हैं कुछ डायरेक्ट आ रहे हैं कुछ लॉजिकल आ रहे हैं तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आप इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहिएगा फाइन चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे देखते हैं पे भी लिखा हुआ है पहले इंस्ट्रक्शन दिया रीड द फॉलोइंग एंड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम वन टू फाइव गिवन बिलो फाइन अब देखिए ये कैसी की स्टडी है पढ़ते हैं द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मिनाज ओके दैट यूजुअली अकर बिटवीन ट्वेल्व एंड फिफ्टीन इयर्स इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट ट्वेंटी एट और ट्वेंटी ये ऐसे सिंबल है ट्वेंटी एट और ट्वेंटी साइकिल It is regulated by a certain hormones as pituitary gland is stimulated by releasing factor produced in the hypothalamus. The hormone produced by pituitary gland influence the ovaries. The hormones secreted by the ovaries affect the wall of the uterus. It means this case study chapters. This case study hai. human reproduction, second chapters. Se. Fine. So case study. Menstrual cycles are related. Hai ye. अब चलिए जरा देखते हैं इनसे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं भाई पूछ रहे हैं पहला क्वेश्चन है द ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो ब्रेकडाउन होता है इंडोमैट्रियम का उससे क्या होता है तो जब ब्रेकडाउन होता है इंडोमैट्रियम का तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है मेंस्ट्रुएशन बिगेन हो जाता है मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है पहले दिया आपका प्रोलिफरेटिव फेस, दूसरा दिया है, है ना? इजी लगा ना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन हा भाई जिसे पता होगा वही कर सकता है जिसे नहीं पता होगा वो तो नहीं कर पाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच डे ऑफ द मेन्स्ट्रुअल साइकिल मार्क द प्रोलिफरेटिव फेज कौन से डे होते हैं जिनको हम लोग प्रोलीफेरेटिव फेज कहते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की होती है 28 और 29 डेज है ना 28 या 29 डेज की होती है फाइन अब प्रोलीफेरेटिव फेज कब से स्टार्ट होता है तो जो प्रोलीफेरेटिव फेज होता है ये तो 10 टू तो 12 डेज का होता है 10 से 12 दिन का होता है ना 10 टू तो 12 अब ये कब से स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम द 6th डे टू

इसके लिए आपको पूरा फेज पता होना चाहिए कि कौन कौन से फेज होते हैं किसके बाद कौन सा हाथ, कौन सा फेज आता है और दूसरे ये भी पता होना चाहिए कि, कि किस स्पेसिफिक हॉर्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है फाइन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यूरिंग सिक्रेटरी फेज सिक्रेशन वाले फेज में कौन सा इनमें से होता है ये पूछ रहे हैं

ठीक है तो क्या कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेज तो जो इसमें ऑप्शन आपके दिए हैं चार ऑप्शन दिए हैं इसमें सबसे पहले क्या लिख फॉलिकल चेंजेस कॉर्पस ल्यूटम तो ये भाई सही होता है क्योंकि जो एम्पटी ग्राफेन फॉलिकल होता है ये चेंज हो जाता है कॉर्पस ल्यूटम में ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा ए ये बड़ा डायरेक्ट सा क्वेश्चन है मतलब इसमें हम क्या कहे मतलब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक से उठाया डायरेक्ट क्वेश्चन रख दिया घी वाला क्वेश्चन ठीक है तो बुक को बेटा बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा हर एक स्टेटमेंट को क्लियर कर लीजिएगा हर एक स्टेटमेंट से कहां से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है so कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द हॉर्मोन दैट अटेन पीक लेवल ड्यूरिंग ओवलिट्री फेज ओवेल्यूट्री फेज में कौन से हार्मोन जो होते हैं वो पीक लेवल पे होते हैं दो हॉर्मोन होते हैं एफ एस एच एंड एल एच यही दोनों हार्मोन पीक लेवल पे होते हैं कब ड्यूरिंग ओवरल्यूट्री फेज तो आपके ऑप्शन क्या दिया है पहला दिया है एफ एस एच दूसरा दिया है प्रोजेस्ट्रॉन तीसरा दिया एल एच और चौथा दिया है बोथ ए एंड सी ए एंड सी में आपका क्या मिलेगा एफ एस एच एंड एल एच क्लियर है तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा डी अब ये नहीं कि आप देखें एफ एस मिल रहा है तो लग रहा है यही है पहले पे ही टिक करके चले आओ। तो बेटा ऐसी गलती बिल्कुल मत करना क्योंकि ऐसी गलती कर दोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे आता हुआ क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा ठीक है तो बड़े कामली अपने क्वेश्चन को पढ़िएगा बड़े आराम से अपने ऑप्शन को भी पढ़िएगा जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके ऑप्शन है फाइन तो इसलिए बहुत ध्यान से टिक करके आइएगा कुछ ऐसा ना गड़ हो गड़बड़ हो जाए जो क्वेश्चन आता हुआ हो चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस केस स्टडी मतलब इस केस स्टडी से रिलेटेड है विड्रॉल ऑफ विच हार्मोन कॉज डिजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटिम इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जिसकी वजह से डिजेनरेशन हो जाता है कॉर्पस ल्यूटम का सो टेल मी विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल यहां पे अगर हम लोग देखें तो यहां पे जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जो डिजेनरेट कर देता है कॉर्पस ल्यूटम को वो कौन सा होता है दैट इज़ करिए कौन सा होगा वो आपका हार्मोन होता है एल एच ल्यूटेनाइजिंग ठीक है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये डिजेनरेट कर देता है कॉर्पस ल्यूटम को क्लियर समझ में आई चीजें चलिए देखिए एक एक क्लाइंट से कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट आपकी थर्ड केस स्टडी है आपके सामने तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले यहां भी इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। व्हाट इज द क्वेश्चन इन्फेक्शन और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड टू थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एस टी आई or venereal disease that is vd or reproductive tract infection that is rti gonorrhea syphilis genital herpes chlamydia genital warts trichomoniasis hepatitis and of course the most discussed infection in the recent years hiv leading to aids are some of the common stds ye chapter se चैप्टर है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना उसी चैप्टर से है कुछ स्पेसिफिक ये स्टडी के बारे में बता रहे हैं वी डी है आर टी आई है इन सब के बारे में बता रहे हैं. मतलब कि इसका क्वेश्चन जो होगा वो रिलेटेड टू दैट होगा चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं ये सेम वही आपका पैटर्न है यहाँ पे आपकी केस स्टडी दी हुई है और ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है विद फोर ऑप्शंस फाइन सबसे पहले क्या है क्शुअल ट्रांसमीटेड डिजीज आर क्या क्वेश्चन तो ये है अब ऑप्शन क्या है इन्फेक्शन ट्रांसमीटेड थ्रू सेक्शुअल इंडाकोस नेक्स्ट वन इज इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्शन ट्रांसमीटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर और इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसप्लांटेशन तो कौन सा होता है जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं एसटीडीज होते हैं ये कैसे ट्रांसफर होते हैं इनका जो इन्फेक्शन होता है ये मोस्टली ट्रांसमिट होता है थ्रू सेक्शुअल इंटरकोर्स इट मीन्स कि अगर एक पार्टनर इन्फेक्टेड है और अगला नॉर्मल है नेक्स्ट वन इज नॉर्मल तो जब उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो ये एसटीडी जो है इन्फेक्शन उसका ट्रांसमिट हो जाएगा नॉर्मल हेल्दी पर्सन में भी ठीक है तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा इंफेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल इंटरकोज बाकी अगर बात करें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तो ब्लड जब डोनेट किया जाता है तो उस समय ब्लड की टेस्टिंग होती है कि कोई ऐसे डिजीज तो नहीं है या ब्लड में कोई वायरस बैक्टीरिया तो नहीं प्रेजेंट है जिससे हेल्थी पर्सन को कोई और बीमारी हो जाए तो वो नहीं होता बाकी अगर बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की इंफेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वॉटर तो कंटामिनेटेड फूड और वॉटर कैसे होगा बताइए साथ में खाना खाने से या एक ही बॉटल का पानी पीने से इंफेक्शन नहीं होता ट्रांसमिटेड बिकॉज दे आर ट्रांसमिटेड ओनली बाई सेक्शुअल इंटरकोर्स फाइन एंड द लास्ट वन इज इन्फेक्शन ट्रांसमीटर थ्रू ट्रांसप्लांटेशन अगर किसी स्पेसिफिक ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करना है तो उसका भी प्रॉपर टेस्ट होता है चेक होता है कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है किसी पर्सन में जो ऑर्गन लिया गया है उसकी बकायदा टेस्टिंग होती है कि कोई उसको पर्सन को इन्फेक्शन तो नहीं है या उस ऑर्गन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है तो उस बेसिस पे भी मतलब ये भी चांसेस देंगे तो पहला ऑप्शन जो है इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल इंटरकोर्स ये सही है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं रीड द फॉलोइंग कुछ ये कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग फिर इन्होंने तीन स्टेटमेंट दिए हैं और उसके बाद ऑप्शन दिए हुए ना लेट सी वट्स द स्टेटमेंट सेक्शुअल ट्रांसमीटेड डिजीज आर ऑल्सो कॉल्ड वनरल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड तो क्या ये सही है हाँ भाई यहीं पे हम लोगों ने देखा था इसे वी भी कहते हैं इसे आर भी कहते हैं ओके okay, तो ये तो सही है अब अब क्या करें अब दूसरा देखें दूसरे में कौन सा है एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी जेनाइटल हर्ब्स एंड एच आई वी इंफेक्शन द अदर सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कैन बी क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेजेस तो सही है भाई जो भी हेपेटाइटिस बी है या एच है इसको छोड़ के जितने भी डिजीज हैं एस के से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं अगर ये अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लिए जाए तो इनको क्योर किया जा सकता है बट बात करें अगर हेपेटाइटिस बी की और एच मतलब एच आई वी क्या है, है और इससे कौन सी बीमारी होती है एड्स होती है तो ये इससे जो डिजीज होती है ये अभी तक इसका ट्री, मतलब वो नहीं क्योरेबल नहीं हो पाया है कि अगर टाइम से पता चल जाए या फिर बाद में पता चले तो उसको पूरा पूरा क्योर कर दिया जाए खत्म कर दिया जाए पर्सन की बॉडी से तो ऐसा नहीं है इट मीन्स कि ये भी सही है नेक्स्ट दे रहे हैं एसटीडी आर अ मेजर थ्रेट टू अ हेल्दी सोसाइटी इट इज अ प्रॉब्लम बट ये मेजर थ्रेट नहीं है है ना मेजर थ्रेड तो नहीं कह सकते ना क्योंकि अगर हम लोग देखें तो बहुत ज्यादा पर्सन इससे अफेक्टेड नहीं होते होते हैं बहुत लोग हैं बट इन कंपैरिजन टू हेल्दी पर्सन देखें या अदर पीपल देखें तो ये मेजर प्रॉब्लम अभी नहीं है करंट की बात करें तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है स्टेटमेंट जो है ये गलत लग रहा है तो हमें क्या मिला फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हमें फर्स्ट एंड सेकंड कहां मिल रहा है पहले पे देखिए फर्स्ट एंड सेकंड दूसरे पे है सेकंड एंड थर्ड तीसरे पे है फर्स्ट एंड थर्ड और फोर्थ पे है डी तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा करेक्ट ऑप्शन आपका ए है वन एंड टू क्लियर चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग सी

अब कौन सा होगा जल्दी बताइए जल्दी सोचिए बड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी इसमें नहीं है थोड़ा सा आप पढ़े होंगे तो आप बिल्कुल आंसर कर लेंगे तो यहाँ पे जो डिजीज दी है इसमें जो एड्स है ये जो होता है ये सेक्सुअल ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करता बाकी जो डिजीज है सिफलिस गोनोरिया जनाइटलॉर्ड्स ये अफेक्ट करते हैं ऑर्गन्स को फाइन तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा बी क्लियर है चलिए ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एच आई वी हेपेटाइटिस बी गोनोरिया एंड ट्राइक्योमोनेसिस अब बताइए ये क्वेश्चन बड़ा इजी है लेकिन लेट्स सी इनमें से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग एच आई वी एच आई वी क्या है आपका एच आई वी इज पैथोजन और बाकी हेपेटाइटिस बी की बात करें गोनोरिया की बात करें इसकी बात करें तो ये सब क्या है ये सब डिजीज है समझ में आ रही है एच आई पैथोजन है और इसकी डिजीज क्या होती है एड्स क्लियर फाइन तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मैडम पहले दिया है ट्राइकोमोनियासिस इज एन एसटीडी वेयर अदर्स आर नॉट तो भाई सब तो एसटीडी है गोनोरिया इज अ वायरल डिजीज वेयर अदर्स आर बैक्टीरियल गोनोरिया क्या वायरल डिजीज है और अदर बैक्टीरियल है तो पहले तो यहाँ पर एच जो है ये खुद वायरस है तो ये भी गलत हो गया एच आई इज अ पैथोजन वेयर्स अदर्स आर डिजीज करेक्ट आंसर मिल गया है हमें सी होगा एच क्या है एक पैथोजन है इसकी डिजीज क्या है एड्स है बाकी हेपेटाइटिस बी है गोनोरिया है ट्राइकोमोनासिस है तो ये क्या है मोनियासिस ये क्या है आपके ये सारे आपके डिजीज है लास्ट वन भी देख लेते हैं हेपेटाइटिस बी इज इराडिकेटेड कंप्लीटली वेयर अदर्स आर नॉट तो ये भी नहीं है भाई हमें करेक्ट ऑप्शन हमारा मिल चुका है सी ये आंसर होगा सी क्लियर है कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बच्चों ऐसे पता होना चाहिए आपको कि कौन सा पैथोजन है कौन सी डिजीज है ठीक है कभी सिम्टम्स भी पूछ सकते हैं कभी कुछ और भी पूछ सकते हैं चलिए तो ये आपकी थर्ड केस स्टडी भी कंप्लीट हो गई फाइन अब हम लोग आते हैं फोर्थ केस स्टडी पे फोर्थ केस स्टडी क्या है देखा आपने अभी तक जो भी देखा अभी तक जितने भी केस स्टडीज आपने देखे उसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं था सारे क्वेश्चन आपके बुक से आपके सिलेबस से ही हैं बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और आपके माइंड में एक इमेजिनेशन uh, आ जानी चाहिए थॉट आ जाना चाहिए कि ये जो केस है ये किस चैप्टर से रिलेटेड है ठीक है पढ़ते ही तुरंत आ जाएगा ये कि ये किस चैप्टर से रिलेटेड है उसके बाद आप क्वेश्चंस बड़ी इजी वे में कर लोगे अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी तो ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं रीड द फॉलोइंग आंसर क्वेश्चन फ्रॉम टू गिवन बिलो भी सेम वही दिया है questions हमें स्टडी के बाद मिलेंगे अब चलिए सबसे पहले केस स्टडी पढ़ लेते हैं कि केस क्या है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसिस पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड The relationship between the sequence of amino acid in a polypeptide and nucleotide sequence of DNA or mRNA is called a genetic code. It means that in this, we will questions related code, codon. Any subset related questions. But let's see. It may questions. Now, next we are writing. George Gamow suggested that in order to code for all the 20 amino acids, code should be made up of three nucleotides. कोड किसके बने होने चाहिए ट्वेंटी अमाइनो एसिड्स जो होते हैं इनको बनाने के लिए थ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको फॉर्म करने में नाउ सेम वही पैटर्न है यहाँ पे आपका पूरा केस स्टडी दिया हुआ है जो अभी हमने पढ़ा था और यहाँ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन वॉट इज अ कोडोन अब भाई लिखने को रहता सब्जेक्टिव रहता तो हम लिख देते कोड ऑन क्या है बट यहाँ तो ऑब्जेक्टिव है अब यहाँ हम देखते हैं अब, uh, हमें ऑप्शन क्या मिले हैं सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है दैट इज अ लेंथ ऑफ डी एन एच कोड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन ओके सेकेंड ऑप्शन है अ पार्ट ऑफ द टी आर एन ए मॉलिक्यूल टू विच अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड इज अटैच नेक्स्ट है अ पार्ट ऑफ द टी आर एन ए मॉलिक्यूल विच रिकोगनाइज द ट्रिपलेट कोड ऑन द मैसेंजर आरएनए ठीक है इसके बाद है अ पार्ट ऑफ द मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल दैट हैज अ सीक्वेंस ऑफ बेसिस कोडिंग फॉर एन अमाइनो एसिड ये लिखा हुआ है अब बताइए जरा क्या होगा कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है ठीक है पहले क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द कोडोन उसके बाद आपको चार ऑप्शंस दिए हैं हमने पढ़ दिया अब आप जरा सोचिए कि आंसर क्या हो सकते हैं अब हम लोग जरा देखते हैं क्या है वोडोन कोडोन क्या होते हैं कोडोन एक कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं होते 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 हैं हैं हैं। ना? इसमें तीन जैसे ऐसे ये कहाज फाउंड इन एम आर एन फाइन अब एंटीकोडोन क्या होते हैं एंटीकोडोन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू अडोन और ये कहाँ होते हैं एंटीकोडॉन क्या होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कोडॉन के लिए और ये आकर होते हैं

समझ में आया क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट देखते हैं थ्री कंसेक्यूटिव बेसिस इन द डीएनए मॉलिक्यूल प्रोवाइड द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रिपलेट्स दैट कुड अकर अब यहाँ बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स कितने फॉर्म होंगे तो कितने होते हैं ट्रिपलेट्स कितने होते हैं मतलब 3 होगा और आपके मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं तो वो होते हैं फोर फाइन अब फोर की पावर थ्री कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा ये होता है फोर की पावर थ्री तो ऑप्शन क्या मिलेगा आपको आंसर सिक्सटी फोर सो यहां देखिए क्या दिया है सिक्सटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड सिक्सटी फोर सो लास्ट वन हमारा मैच कर रहा है क्लियर है चलिए नेक्स्ट देखें इजी क्वेश्चन था बहुत टफ नहीं था लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअल था कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो मुश्किल है भैया की हो जाए चलिए इसके लिए बड़े अच्छे से अपनी एन पढ़ लीजिएगा जो भी आपको ऑब्जेक्टिव बुक्स चाहिए वो पढ़ लीजिएगा केस स्टडीज पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से बेटा बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच डीएनए सिक्वेंस वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग पॉलीपेप्टाइड सिक्वेंस अब देखिए यहां पे क्या दिया है डी एन ए सिक्वेंस वुड बी नीडेड इसमें से हमें बताना है कि इसमें कौन सा डी एन ए सिक्वेंस नीड होगा जो प्रोड्यूस करेगा फॉलोइंग पेप्टाइड सिक्वेंस को क्या दिया है एलेनाइन एलेनाइन आर्जिनिन लाइसिन और फिनाइल एलेनाइन मतलब ये चार के हमें बताने हैं कि कौन से कोड इनके लिए सही है फाइन तो कौन से कोड सही है जरा बताइए इसके लिए क्या होता है एलेन के लिए जी सी ए आज के लिए क्या होता है आर्जेन के लिए क्या होगा सी जी ए लाइसिन के लिए क्या होगा जल्दी जल्दी सोचिए जल्दी जल्दी बताइए ए ए एंड जी एंड द लास्ट वन फिनाइल एलिन इसके लिए क्या होगा भाई तो इसके लिए हम यू 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 ये होगा ठीक है अब हमें इसके क्या लिखने हैं इसका हमें बताना है कि किसके साथ ये मैच करेंगे फाइन इट मींस कि इसका हमें ढूंढना है कि ये किसके साथ मैच करेगा तो जी सी ए क्या होता है जी की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं सी सी की जगह पे क्या लिखते हैं जी ए की जगह पे क्या लिखते हैं टी फाइन अब सेम एज सी जी ए तो यहां भी क्या होगा सी जी ए यहां पे क्या होगा जी सी एन टी फिर है आपका ए ए जी तो ए ए जी में क्या होगा टी टी सी फाइन अब क्या है भाई अब ये है हमें यू 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 तो ये हमें क्या मिलेगा ए ए क्लियर यही सीक्वेंस मिलेगा तो हमें सबसे पहले एल एल इनका बताना है इसका तो चलिए पहले ढूंढते हैं सी जी टी हमें कहाँ मिलना? मिलना है यहाँ मिल रहा है बी पे मिल रहा है ये देखिए इसके बाद क्या है हमें सी जी ए आलजिन ये कहाँ मिल रहा है जी सी टी ये मिल रहा है देखिए इसके बाद लाइसिन टी टी सी और फिर ये ट्रिपटी क्लियर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बी बड़ा इजी क्वेश्चन है लेकिन हाँ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए इस चीज के लिए इधर ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए तो ऐसे मुश्किल हालात में खुद को ना डालते हुए उसे खुद को बचाते हुए भाई बहुत अच्छे से पढ़ लो जितना अच्छे से पढ़ोगे आप लोग उतने अच्छे मार्क्स लेके आओगे क्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाइड कोडोइंग ए क्या होते हैं दे आर इनिशियशन गोडोन फाइन इसके बाद क्या है यू ए ए ये क्या होते हैं टर्मिनेशन गोडॉन और फिर दिया है आपका यू जी जी तो ये क्या होते हैं ट्रिप्टो फैन यही होते हैं ना तो ये आपका होगा ट्रिप्टोफैन अब बताइए जरा नॉनसेंस कोडॉन होते कौन से हैं भाई नॉनसेंस कोडॉन कौन से होते हैं तो नॉनसेंस कोडॉन आपके ये हैं यूएए दैट इज ट्रिप्टोफैन सॉरी यूएए ये क्या है टर्मिनेशन कोडॉन ट्रिप्टोफैन तो यूजीजी जी है ओके okay? तो ये आपका होगा नॉनसेंस कोडॉन क्लियर है चलिए और ये आ गई हमारी नेक्स्ट केस स्टडी फाइन अब ये केस स्टडी भी हम लोग को देखना है और बताना है कि इसके आंसर्स क्या सही क्लियर तो रेडी है आप लोग नाउ क्वेश्चन दिया है मतलब केस दिया हुआ है स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम वन टू फाइव गिवन बिलो सो व्हाट्स द क्वेश्चन केस इज Hemophilia is a sex linked disease, which is also known as bleeder's disease. As the patient will continue to bleed even from a minor cut, since he or she does not possess the natural phenomena of blood clotting due to absence of anti hemophilic globulin or factor 8 and plasma thromboplastin factor 9, essential for it. as a result of continuous bleeding the patient may die of blood loss ये तो भैया किसके बारे में था हीमोफिलिया के बारे में ये कह रहे हैं हेमोफीलिया जो होता है, ये एक सेक्स डिजीज है इसे हम लोग ब्लेडर डिजीज भी कहते हैं इट मींस कि अगर जिसे इफ पर्सन इज अफेक्टेड विथ हेमोफीलिया तो अगर उनकी बॉडी में कहीं जरा सा भी कट लग जाता है तो ब्लड कॉन्टिन्यूसली फ्लो होता है क्योंकि उनमें जो ब्लड कागुलटिंग एजेंट होते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं या एबसेंट होते फाइन टू कंटिन्यू ब्लीड इवन फ्राम अ माइनर कट सिंस ही और शी डज नॉट पर नेचुरल फिनोमिना ऑफ ब्लड क्लॉटिंग नेचुरल फिनोमिना जो होती है ब्लड क्लॉटिंग की वो नहीं हो पाती उनमें क्यों बिकॉज ऑफ द एबसेंस ऑफ हिमोफेलिग्लोब्युलिन जो हिमोफेलिग्लोब्यूलिन होता है मतलब जो ब्लड को कॉगोलेट कर देता है कि अगर वो बाहर फ्लो कर रहा है इंजरी होने से कट लगने से तो वो ना हो मतलब जो फैक्टर एट है और प्लाज्मा थ्रोम्बोस्टिन फैक्टर जो नाइन होता है वो नहीं होता ठीक है एबसेंट होता है क्लियरली लिखा है ड्यू टू एब फाइन अच्छा अब आगे क्या कह रहे हैं तो इट मींस कि ये जेनेटिकल डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं फाइन नेक्स्ट इज कलर अनदर टाइप ऑफ सेक्सिंग ट्रेट इन विच द आई फेल्स टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर अब यहाँ पे दूसरी भी डिजीज दी हुई है कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिकल डिजीज है तो ये क्या होते हैं सेक्सलिंग ट्रेड होते हैं जिनमें जो आई होती है वो रेड और ग्रीन कलर को डिस्टिंग नहीं कर पाते फाइन जिनको ये होता है नाउ विजन इज हाउर नॉट अफेक्टेड एंड द कलर ब्लाइंड कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ इनके विजन पे इफेक्ट नहीं पड़ता मतलब ऐसा नहीं है कि इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा दो कलर्स में जो डिफरेंस होता है वो जल्दी ये कैटेगराइज नहीं कर पाते फाइन बाकी तो नॉर्मल लाइफ होती है नॉर्मल लाइफ रीडिंग राइटिंग ड्राइविंग अब देखिए ड्राइविंग में क्या होगा ग्रीन कलर होता है ट्रैफिक लाइट में तो यहां पे ट्रैफिक लाइट को उनके स्पेसिफिक पोजीशन से ये uh, समझ नहीं पाते हैं ये चीज होती है तो ये रहा आपका केस समझ में आया केस में क्या कह रहे हैं अब चलिए ये पूरा आपका केस है और हम लोग इस केस से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं तो ये देखिए ये सेम ऐसे ही वही केस है अब यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कह रहे हैं इफ अ हिमोफिलिक मैन मैरिज अ वुमेन हुज फादर वॉज हिमोफिलिक एंड मदर वॉज नॉर्मल देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू फॉर देयर प्रोजेनिज एक हेमोफिलिक मैन है उनकी शादी हुई है एक वुमेन से जिनके फादर जो है वो हेमोफिलिक है मतलब दैट वुमेन इज नॉट हेमोफिलिक उनके फादर हेमोफिलिक है और मदर क्या उनकी नॉर्मल है उस वुमेन की मदर नॉर्मल है अब देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू फॉर देयर प्रोजेनिज अब इसमें हमें बताना है कि उनकी प्रोजेनी के लिए क्या सही है ऑप्शन क्या दिए हुए हैं ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डॉटर्स 50% परसेंट डॉटर आर कैरियर एंड फिफ्टी परसेंट आर हेमोफिलिक Next दिया है, तो so, भाई अब आप ऐसे कैसे बताओगे कि क्या सन की क्या चांसेस है डॉटर के क्या चांसेस हैं? मुश्किल है ना नहीं बता पाओगे तो so, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा ठीक है तो चलिए पहले हम लोग क्रॉस करवा लेते हैं फिर देखते हैं भाई आंसर क्या है ऑप्शन क्या हमारा मैच कर रहा है तो सबसे पहले हम लोग इनके पेरेंट्स के बारे में देखते हैं पेरेंट्स कौन है ठीक है तो पेरेंट्स कौन है भाई करियर वुमेन है क्योंकि उनके फादर को हेमोफिलिया हुआ था क्लियर है तो वुमेन किससे रिप्रेजेंट होती है एक्स से और इनके पास करियर है ठीक अब मैन जो है वो हेमोफिलिक है ओके तो इनका सिंबल क्या होगा एक्स एच एंड वाई ओके okay? अब इसका और इनका हमें क्रॉस करवाएं तो सबसे पहले हम लोग गैमेट्स फाइंड आउट करें गैमेट्स कौन कौन से हैं तो कौन से गैमेट है और यहां पे क्लियर ये गैमेट्स हैं क्लियर है ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब चलिए क्रॉस करवाया जाए तो देखिए पहले क्या मिलेगा सोचिए जरा क्या मिल सकता है यहां पे यहां पे हमने जो गैमेट्स लिए हैं उसमें सबसे पहले मिलेगा एक्स इस का इससे करेंगे तो एक्स एच ठीक है फिर क्या मिलेगा एक्स वाई क्लियर ये दो अब इसका इसमें करते हैं तो एक्स एच एक्स एच फिर एक्स एच और क्या मिलेगा क्या मिलेगा सोचिए जरा यहां पे मिला एक्स एक्स एच ठीक है यहां पे मिला एक्स वाई यहां पे मिला एक्स एच एक्स एच और यहां पे मिलेगा एक्स एच एंड वाई यही तो होगा भाई कोई गड़बड़ तो है नहीं अब ये क्या होंगे देखिए ये है करियर डॉटर ठीक है शी इज अ करियर डॉटर क्योंकि यहाँ पे इनके एक ही गैमेट के पास हेमोफिलिक है तो वो खाली करियर का, का काम करेंगे ये आपका जो एक्स वाई है दैट इज नॉर्मल सन फाइन नेक्स्ट क्या है ये हेमोफिलिक डॉटर है और ये करियर सन समझ में आई बात क्रॉस समझ में आया आपको क्या हुआ है बड़ा इजी सा है ओके okay? चलिए आप जरा देखिए कि क्या क्वेश्चन कर रहे हैं फिर हम लोग आते हैं अपने आंसर पे इफ अ हेमोफिलिक मैन मैरिज ऑफ वुमेन फादर वाज हेमोफिलिक एंड मदर वाज नॉर्मल देन व्हिच ऑफ़ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर देयर प्रोजेनी निकाल लिया हम लोगों ने कैलकुलेट करके नाउ सी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डॉटर 50% डॉटर आर करियर एंड 50% आर हेमोफिलिक तो क्या ये सही है डॉटर्स कितनी मिल रही हैं यहां पे वन डॉटर एंड टू डॉटर एक ये डॉटर है एक ये डॉटर है बाकी तो सन है ना ये एस वाले सन ये एस एस सन रिप्रेजेंट कर रहा है और D तो यहाँ पे फिफ्टी परसेंट भाई अगर दो डॉटर हैं तो फिफ्टी परसेंट डॉटर क्या होंगी करियर और फिफ्टी परसेंट हेमोफिलिक होंगी तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका दैट इज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डॉटर फिफ्टी परसेंट डॉटर आर करियर एंड फिफ्टी परसेंट आर हेमोफिलिक अब कुछ लोग कहेंगे भाई मैम सन भी तो था तो भाई क्वेश्चन क्या कर रहा है वो तो देख लो टोटल नंबर ऑफ डॉटर्स में से पूछा जा रहा है ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन इज क्लियर चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये तो हमारी कैलकुलेशन थी ये अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड एंड मदर वॉज नॉर्मल एक मैन है उनके फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है और मदर जो है वो नॉर्मल है फाइन अब उस मैन मैरिज अ हुज फादर वॉज हेमोफिलिक एंड मदर वॉज नॉर्मल और उस मैन की जिससे शादी हो रही है वो जो वुमेन है उनके फादर जो है वो हेमोफेलिक हैं और मदर जो है वो नॉर्मल है क्लियर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर द्रोजेनिस नोट परसेंटेज इज फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी मतलब यहां हमें स्पेसिफिक डॉटर या सन के बारे में नहीं बताना है टोटल नंबर ऑफ के बारे में बताना है क्लियर क्या ऑप्शन दिए प्रोजेनिसाइव परसेंट फीमेल प्रोजेनी कैरी द जीन फॉर बोथ हिमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडी फाइव परसेंट मेल कैरी ओनली द जीन ऑफ कलर ब्लाइंडी फाइव परसेंट फीमेल प्रोजेनी कैरी ओनली द जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस

एक्स एक्स ये क्या है नॉर्मल मैन और ये हेमोफिलिक करियर वुमेन यहाँ पे एच होगा ठीक है ना ओके okay. अब क्या करें हम लोग इसका क्रॉस करवाएं तो सी अब क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा सबसे पहले गैमेट्स बना लेते हैं एक्स वाई और एक्स एक्स एच अब चलिए जरा क्रॉस करिए अपनी कॉपी पे और देखिए क्या मिलता है तो सबसे पहले एक्स एक्स मिलेगा हमें फिर क्या मिलेगा यहाँ से आपका एक्स वाई क्लियर फिर क्या मिलेगा आपको ये एक्स एच का करें तो एक्स एच एक्स और फिर एक्स एच वाई यही मिलेगा ना इट मीन्स दैट ये नॉर्मल डॉटर हैं ये नॉर्मल सन है ये हेमोफिलिक डॉटर हैं करियर और ये हेमोफिलिक सन है ये सब क्या है करियर क्लियर चलिए जरा आंसर देख लें हमारा कौन सा आंसर सही होगा समझ में आई चीज ओके नाउ कम टू द आंसर और आंसर देखिए आपका कौन सा सही होगा तो यहाँ पे 25 फाइव परसेंट मेल प्रोजेनी एंड 25 परसेंट फीमेल प्रोजेनी जो है इनके जो जीन्स हैं वो कैरी कर रहे हैं हीमोफीलिया को देखिए 25 फाइव परसेंट कहाँ है ये भैया ये तो पूरा मान लीजिए ये 50 परसेंट है ये 50 परसेंट है दोनों मिला के सौ हो गए अब इसमें से 25% और ये 25% हुआ कि नहीं हुआ तो यहां आपको क्या मिलेगा 25% फाइव मेल प्रोजेनी एंड 25% फाइव फीमेल प्रोजेनी कैरी द जीन ऑफ हिमोफीलिया क्लियर सो डीवन इज करेक्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हिमोफीलिया यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है रिगार्डिंग हिमोफीलिया सबसे पहले लिखा है इट इज अ डोमिनेंट डिजीज तो क्या ये डोमिनेंट डिजीज है अ सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड नेक्स्ट इज इट इज रिसेसिव डिजीज और लास्ट वन दिया इट इज मेंटेलियन डिसऑर्डर तो कौन सा सही है जरा सोचिए और बताइए कौन सा सही होगा क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हेमोफीलिया हेमोफीलिया के रिगार्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है क्या ये डोमिनेंट डिजीज है ये सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड और रेसेसिव डिजीज है और मैंडलियन डिजीज है तो भाई जो हीमोफीलिया है ये डोमिनेंट डिजीज नहीं है दैट इज रेसेसिव डिजीज तो पहला वाला ऑप्शन गलत है और गलत ही आपको बताना है क्योंकि यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं इनकरेक्ट मतलब गलत बताना है सिंगल प्रोटीन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जिससे कि इफेक्ट होता है ओके okay? डोमिनेंट तो नहीं है तो कौन सा है Recessive है फिर क्या है मेंडेलियन डिसऑर्डर है है ना तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अनुप इज हैविंग कलर ब्लाइंडनेस एंड इज मैरिड टू सोनी हु इज इज नॉर्मल व्हाट द चांस दैट देयर सन विल हैव डिजीज ये भी सेम वही आपको क्रॉस करवा के बताना है कि क्या चांसेस होंगे कि उनका जो सन होगा उसको डिजीज होगा क्या ना अनुप जो है इनको कलर ब्लाइंडनेस है और इन्होंने मैरिड किया है एक वोमेन से जिसका नाम है सोनी ये क्या है नॉर्मल है ठीक है तो व्हाट इज द चांस चांसेस क्या है कि जो इनका सन होगा उसे भी डिजीज होगी ठीक तो यहां पे दिया है हंड्रेड परसेंट फिफ्टी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट और जीरो परसेंट चलिए लेट्स सी कैलकुलेट करते हैं हम लोग सेम वही करेंगे सबसे पहले हम लोग पेरेंट्स लिख लेते हैं तो पेरेंट्स कौन है सोनी और क्या कौन है अनुप ठीक है ये फीमेल है और ये मेल है करियर कौन है बताइए किसके पास डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस किसके पास है तो वो मेल के पास है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज यहाँ पे एक्स सी हो जाएगा फाइन अब हम लोग क्या करेंगे इनके गैमेट्स बनाते हैं गैमेट्स क्या होंगे एक्स एक्स क्रॉस करवाना है एक्स सी एंड वाई अब जरा सोचिए या कैलकुलेट करिए तो किस पे बन के आएगा ये हो जाएगा एक्स एक्सी फाइन इसके बाद एक्स वाई इसके बाद एक्स सी और X, फिर यही तो होगा यही होगा ना तो क्या बन रहा है आपके पास जो सन है वो नॉर्मल मिल रहे हैं देखिए तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा दैट कि जो ये कपल हैं, इनका जो सन होगा उसको जीरो परसेंट चांसेस है कि डिजीज हो सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी अब ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको क्रॉस करने नहीं आएगा बच्चों तो आप वो क्रॉस नहीं कर पाओगे वो क्वेश्चन आपका मतलब ये से मार दिया अगर सही हुआ तो सही नहीं हुआ तो भाई गलत अब क्या कर सकते हैं उसमें है ना तो बड़े अच्छे से बड़े इजी क्रॉस होते हैं पढ़ लीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आई होप क्योंकि चैप्टर भी कुछ क्रिटिकल नहीं है ठीक है चलिए इतने आपके सारे क्वेश्चन थे आज की केस स्टडी में जो आज हम लोग सेकेंड पार्ट बना रहे थे केस स्टडी का पढ़ रहे थे इसमें तो बहुत अच्छे से बेटा पढ़ लीजिएगा के स्टडी से खुद भी क्वेश्चन फ्रेम करके देखिए कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं तो बड़ा इजी रहेगा बाकी आपके सपोर्ट के लिए बहुत लोग हैं एनसीआर खड़ी है अरिहन पब्लिकेशन खड़ा है हम लोग आपके साथ हैं हमेशा आपको एकदम हेल्प करने के ठीक है चलिए टेक केयर गुड बाय ऑल द बेस्ट